ये लो जी पहुंच गए हम ऋषिकेश, और यहाँ की जो शांति है इसी शांति को ढूंढते हुए हम दिल्ली से यहाँ पहुंच गए। शिवपुरी नहीं, शिवपुरी भी नहीं है, शिवपुरी है। अरे नहीं है ना, चलो जो भी है, कैंप में आ गए, कैंप में आ गए अपने। कैंप दिखा दो, दिल्ली से चले थे और जो चाहिए था वो हमें मिल चुका है। ये हमारे जिगरी यार दोनों ठाकुर साहब तैयारी करते हुए जीत की। और चलो अमित भाई, मजा आ गया। ये देखिए नज़ारे हमारे चारों। अब एक काम करो, कैमरा घुमा के पीछे का सारा मैं देर के हूँ, मतलब हेलो हेलो हेलो, नहीं नहीं आपने फिर भी बहुत अच्छा किया। jugadbaaz.com इनका जरूर पेज लाइक करें, आप आपको बेसिक करें, सब्सक्राइब करें, और अच्छा लगे तो कमेंट भी करें, कमेंट भी करें। आज हम लोग ऋषिकेश हैं, सारे कैंपिंग कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं वीकेंड। अब महफिल में रंग जमा है, रंग जमा है। ये हमारे चौधरी साहब हैं। हेलो, हाउ आर यू? चौधरी साहब यहाँ आओ, यहाँ सरदार जी से मिलते हैं। हाँ, ये सरदार जी से मिलो। ये हमारे सरदार जी हैं, नाम बहुत ही अच्छे के। आया दिल्ली हूँ, आ दारू पीने। मेरी जान क्या बात है, ये हुई बात। बहुत ही खुशी का माहौल है आज, और सब एक दूसरे की बियर छीन रहे हैं, पी रहे हैं। ये देखिए भाइयों में लड़ाइयाँ, पिछले पांच मैचों में, पिछले पांच मैचों में बंदा हटता हुआ। ये भाई बियरों की लड़ाई कर रहे हैं, देखो ये भैया बियरों की लड़ाई कर रहे हैं। हाँ सब ये लोग ना, ये लोग बॉन फायर नहीं दे रहे हैं, काट लिए इन्होंने। हाँ साल में काट लिया, पता नहीं क्या काटा है, मुझे नहीं पता, पर काट लिया। और ऊपर धुआं सा लग रहा है, मुझे लगता है आज खाना भी नहीं बनेगा, वहाँ आग लग गई है साले। भाई आज अपनी 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 बियर और बोतलों से ही काम चलाना पड़ेगा। और भाई सभी से अनुरोध है, अपनी अपनी बियरों का ध्यान रखें, ध्यान रख के रात में चुड़ना जाए। यात्री अपने सामान की खुद सुरक्षा करें। मेरे टाइम पर मिलना चाहिए, पूरा बियर पी लेते। अरे पापा को नहीं दोगे तो बच्चे को भी पिएगा। स्टार्ट, हाँ जी आ जाओ, डांस करो। ये पाजी आ रहे हैं, लो क्रिएटिविटी। आप जाओ देखना क्रिएटिविटी, जाओ ना वीडियो। नशे की दुकान जानी मेरी जान।
हमारा तो टाइम हो गया ऐसे निकलने का, रात भर खूब मस्ती करी, अब यहाँ से निकलना हमें। ये ठाकुर साहब तैयारी कर चुके हैं, अमित भाई तैयारी कर चुके हैं, ये देखिए। तो बस अब ऋषिकेश की तरफ निकलेंगे, वहाँ पे मिलेंगे आपको। और बाकी हमारे पाजी जो हैं नाश्ते में, ये लो चाय की दावत दे रहे हैं सरदार जी। तो चलो अलविदा कहते हैं अपने कैंप को और सरदार जी को भी। ये लीजिए ठाकुर साहब, हमारे जिगरी दोस्त। और ये सरदार जी काफी मस्त बंदे हैं, इन्हें यूट्यूब पे आपका सब्सक्राइब नहीं आया ना, नाम बता दो। ये देखो क्विक फिक्स टेक, सरदार जी नहीं आएंगे उम्मीद। सही बात है कि नेचर में रहना जरूरी है इंसान को। फंस गई चोट लग जाएगी हाथ में। ये है छोटी वाला बाबा, रेस्टोरेंट के आगे बैठे रहते हैं। तो आइए तो इनके साथ सेल्फी जरूर लीजिए, देखिए सब यहाँ पे सेल्फी लेते ही जाते जाते हर एक कोई इनके साथ।
सेल्फी ले रहा है। तो अभी हम आए हैं लंच ब्रेकफास्ट करने चोटी वाला रेस्टोरेंट, सबसे फेमस ये यहीं पर है। अगर आप कभी आए तो यहीं आए, एड्रेस किसी से पूछेंगे चोटी वाला बता देगा। तो यहाँ पे हमने मंगाए हैं समोसे, आ गए। यहाँ पर कॉफ़ी कैसी है? दोस्तों अभी एक अमेजिंग चीज दिखाता हूँ तुम्हें, बहुत ज़बरदस्त चीज़। अभी मैंने घाट पे ना मगरमच्छ देखे दो। देखो दोस्तों, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ दो मगरमच्छ। ध्यान से देखना अगर दिखें तो आपको। ये देखो दो मगरमच्छ विक्ट्री साइन दिखाते हुए। तो मैं इधर आऊँ ना, इधर नहीं लग रहा इस पे, इस वाली पे नहीं लग रहा। अरे तो इस वाली पे तो तुम्हारी कमर भी गीली नहीं होगी यार। दोस्तों कैंपिंग के बाद हम आ चुके हैं राम झूला के गंगा जी के घाट पे, और अब यहाँ पे मस्ती स्टार्ट होगी। ये ठाकुर साहब और अमित भाई उतर चुके हैं, गोते लगा रहे हैं गंगा जी में अपने परिवार वालों के नाम। अभी कुछ देर में मैं भी उतरूँगा, तो इन दोनों से जान लेते हैं कि पानी कैसा है। ठाकुर साहब बड़े हंस रहे हैं, ठाकुर साहब से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है पानी में घुसकर। ठाकुर साहब ज़रा राय दो। पानी बहुत ठंडा है, और आपका ऋषिकेश में राम झूले पे, और बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और नहा रहे हैं। आज हम स्नान कर रहे हैं, नवरात्रे का पहला दिन है। मेरे साथ मेरे रविंदर भाई हैं, अमित भाई हैं, और बहुत मज़ा आ रहा है, बिल्कुल परफेक्ट। रविंदर भाई कैमरे पे हैं, आप भी इन्जॉय करें यहाँ आगे। बिल्कुल बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छा हिंदू पवित्र स्थान है। थोड़ी नॉलेज तो नहीं है इस स्थान के बारे में, लेकिन जब भी राय दूंगा आइए, बहुत अच्छी जगह है। थैंक यू अमित भाई। कैसा है पानी की अगर बात करें तो पानी लाजवाब, एकदम जबरदस्त, चिल्ड एकदम। अंदर जाने के बाद आत्मतृप्त हो गई। तुमने कितनी मारी है? छह। अब मैं रविंद्र भाई को देता हूँ, वही आपको आगे की जानकारी देंगे। तो दोस्तों कैमरा यही रखना, मैं वो लगा। हाँ हाँ, ये ठाकुर साहब भी डुबकी मारने वाले हैं। और अब हम चल रहे हैं दिल्ली की ओर, हमने बस की टिकट ले ली है, तो आपको दिखा देता हूँ अपनी बस। ये बैक कैमरे से दिखाता हूँ, ये बस है हमारी। अच्छा जी, तो 1.5 करोड़ की गाड़ी बताई जा रही है। तो ये अपनी बस, कुछ चार्जर निकाल लो मेरी जान। AC लगा हुआ है तो आराम से जाएंगे। तो भाई बस तो काफ़ी अच्छी है, ठीक है, बट मुझे तो बिल्कुल जाते हुए अच्छा नहीं लग रहा। अब फिर वही दिल्ली की भाग दौड़ वाली ज़िंदगी, चिल्पों में इस शांति से बिताए 3 दिनों को जल्दी से भूला नहीं जाएगा। एडजस्ट करने में थोड़ा मुश्किल होगी, पर चलो क्या करें, जाना तो है ही आखिर।
चलो। और बाकी इस बस का तो मेरे को तो हरियाणा रोडवेज का ही होता कि हरियाणा रोडवेज मिल जाती तो मैं उसी में जाता फिर, बट वो यहाँ से मिलती नहीं है तो चलो यही ठीक है। बाकी हरियाणा रोडवेज का कोई मुकाबला नहीं है मेरी नज़रों में, मेरी सबसे बेस्ट रोडवेज हरियाणा रोडवेज है। और आपको लग क्या हरियाणा रोडवेज भी बेस्ट लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।